Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Satyo. I am Mrs. Anila Imran and you are watching New Free Educational Center. Hamare ek bahut hi achhe viewers hain. I think bahut zyada achhe viewers hain hamare sath jo hamari videos ko dekhte hain, pasand karte hain. Ye unka question mujhe inbox mein aa raha tha. Shayad Atiya ya Maryam ya Quratuan ya hamare aur dekhne wale hain. तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने अब निकाल दिया है लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसको पार्ट्स में करूं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी आपको जर्नी इनटू द सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस हमारा वही है जनाब जो हमने वर्जीनिया वुल्फ के साथ देखा था कि आप अपने माइंड के बिहाइंड जो कुछ सोचते हैं ख्याल में जो बात सोचते हैं या अपने पास्ट मेमोरीज को जब अपने दिमाग में लेके आते हैं तो उस तरफ के सफर के बारे में बताएं और ये मार्लो ने जब उसकी डेथ हो गई थी कुर्स की तो उसके बाद जब सफर किया था तो वो उसने अपने पास्ट में ही सफर किया था यानी ख्याल पे जो फिल्म बनी हो या ड्रामा बना अब डिस्प्लेइंग मास्टरफुल डेक्सटरिटी डेक्सटरिटी क्या होती है जनाब ये महारत जो हमें बड़ी खूबसूरती से दिखाई गई है बड़ी कारीगरी से मास्टरफुली से दिखाई गई है कॉनराड ने जो पेश किया है मैं क्वेश्चन जल्द जल्द रीड कर रही हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए कि इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स और हम आंसर पर आए अब इसने क्या किया हमें बाहबर किया है डीप मिस्ट्री के बारे में सच की बहुत ज्यादा जो सस्पेंस था तजस्सुस था उसके बारे में और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन की है बहुत गैर मामूली किस्म की वजाहत की है उसने किसकी वजाहत की है ह्यूमन सवेजरी की इंसान की जो गुलामाना हालत है उसको पेश किया है वहशियाना हालत को कह लें या गुलामाना हालत को कह दें और डेस्पियर और नाउमेदी को कॉनराड ने किस तरह पेश किया ये भी सवाल हमारा सबकॉन्शियसनेस में ही जा रहा है आगे आते हैं तो क्रिटिकल नोट लिखना है आपने करेक्टर के ऊपर मार्लो का लिखें या कर्ट्स का लिखें दोनों ही ख्याल में बातें करते हैं ये वो भी कवर हो रहा है इसमें सवाल अब फिर करेक्टर आ रहा है मार्लो का ये भी कवर कर रहा है और फिर हमें बता रहा है अ मैंस कॉन्फ्रंटेशन विद द डार्क सेल्फ इज बोथ डेंजरस एंड एनलाइटनिंग ये हमें मिली है एक कोटेशन अब इसके उसने बताया है कन्फर्टेशन मतलब आ जाता है आमना सामना निकालना और इनलाइटनिंग हो गया मालूमाती अब ये बताता है कि हमारे अपनी जात के अंदर जो अंधेरे से हमारा आमना सामना होता है और उसके जो खतरात हमें बताए गए हैं मालूमाती तरीके के साथ उसको बताएं तो हमारे अपने अंदर जो कन्फर्टेशन है आमना सामना है हमारा मुकाबला है किसके साथ हमारी अपनी जात के अंधेरों के साथ तो ये भी ख्याल में बात चली जाती है अब डिस्प्ले मास्टरफुल टेक्निक डेक्सटरिटी ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर सबसे पहले हमारे पास आया था 2008 में ये दोबारा आया है और यही क्वेश्चन जो था 2012 में भी आया है सेम क्वेश्चन ये ट्वाइस टाइम आ गया तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सबकॉन्शियस का ही सवाल है यहाँ पर भी देखते हैं तो मार्लो इज इल्यूमिनेटेड इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस यहाँ पर भी कोटेशन हमें दी गई है कि जनाब मार्लो ने रोशनी डाली इल्यूमिनेटेड होता है रोशनी डालना किस पर रोशनी डाली है अंधेरों के मरकज पर उसने रोशनी डाली है तो वो सारी बातें उसने हमें ख्याल में बताई हैं मार्लो की जर्नी भी उसका सबकॉन्शियस ये भी उसने हमें ख्याल में बता दिया बात करते हैं आगे तो आंसर की तरफ चलते हैं Heart of the Darkness is a psychological novel. Psychological novel है बरहन नफ्सियाती किस्म का एक कहानी बयान करने वाला नावल है इट डिस्क्राइब्स मार्लोज एक्सप्लोरेशंस ऑफ कॉन्गो कॉन्गो में जो उसने दरियाफ्त की हैं चीजें उनके बारे में हमें बताता है ये नावल नावल में हमें बताया जाता है बट एट द सेम टाइम उसी वक्त दिस नावल इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड ऑफ द इनर लाइफ ऑफ मार्लो मार्लो की अंदरूनी जिंदगी जाती जिंदगी दिमागी जिंदगी की तरफ सफर का भी एक रिकॉर्ड है एक पूरे का पूरा ऐसा नावल है जिसमें आपको ख्याल के अंदर ख्याल दिखाए जाते हैं और उसे ही सबकॉन्शियस कहते हैं ड्यूरिंग हिज ट्रैवल अपने सफर के दौरान इन दैट कंट्री उस मुल्क में कौन सा मुल्क था वो जहां पर वो गया था सफर करने के लिए वहां पर उसने कॉन्गो का जब सफर किया तो इस सफर में उसने अपने अंदरूनी ख्यालात को अपने अंदरूनी जज्बात को जो बयान किया है तो वो सबकॉन्शियस के दायरे में आ जाता है वहां पर जाके उसने नफ्सियाती जायजे भी लिए कुछ लोगों की उसको भी उसने बयान किया है हार्ट ऑफ द डार्कनेस सर्टनली गिव्स अ वेविड डिस्क्रिप्शन ये हमें खास तौर पर एक बहुत वाजिया वजाहत देता है ऑफ मार्लोज आउटवर्ड एक्सपीरियंसेस एट कॉन्गो कॉन्गो में जो उसने बैरूनी तजर्बात किए हैं जो उसने
جسمانی تجربات محسوس کیے, ان کی زندگیاں دیکھی, ان کا آنا جانا دیکھا, ان کی زندگی میں اپنی زندگی میں فرق دیکھا, یہ سب بتاتا ہے. But it also gives a vivid description of the thoughts. لیکن یہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت واضح وضاحت دیتا ہے سوچ کی بھی, and ideas اور خیالات کی بھی, which crossed his mind during his stay in Congo, جنہوں نے اس کے دماغ کو پار کیا یا اس کے دماغ سے گزری اس کی رہائش کے دوران جب وہ کانگو میں تھا. Marlow appears not only as a man of action. Man of action کیا بڑا با عمل قسم کا آدمی ہی وہ ساتھ ساتھ شامل نہیں ہوا ہے. Taking great risk, اس نے بڑے زیادہ خطرات کو بھی مول لیا ہے. But also as a thinker, وہ ایک مفکر بھی رہا ہے. Who broods and meditates, جو غور و فکر کرتا ہے, جو سوچتا ہے upon everything, ہر چیز کے اوپر, that he sees, جو بھی وہ دیکھتا ہے, جو بھی وہ چیز دیکھتا ہے اس چیز کے اوپر وہ غور و فکر کرتا ہے. He appears as a keen observer, تو وہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے سامنے بہت ہی زیادہ مشاہدہ کرنے والا شخص. He is an introspective. Introspective کیا ہوتا ہے جناب؟ Introspective, خود شناس, جو شخص اپنے آپ کو پہچان سکے, وہ ایسا خود شناس بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. Who keeps constantly examining, جو کہ constantly مسلسل طور پر معائنہ کرتا ہے his own thoughts, اپنی ہی سوچ کا. As they arise in his mind, جیسے ہی وہ اس کے دماغ میں ابھرتی ہیں. Thus the novel is to be treated not only as a kind of Marlow's explorations of the dark continent of Africa. اب ناول کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ہمیں اس قسم کا نہیں دکھایا جاتا ناول کے جب مارلو نے جا کے اس اندھیرے, اس جسے کہتے ہیں نا غیر ترقی یافتہ کانٹیننٹ آف افریقہ کے اس بڑے اعظم کو دریافت کیا ہے, اس کے بارے میں نہیں بتاتا. بٹ آلسو ایز اے کائنڈ آف این ایکسپلوریشن بائی مارلوز, بائی مارلو, لیکن مارلو کے ذریعے یہ ایک ایسا ایکسپلوریشن ہے, ایک ایسا دھماکہ ہے, ایسا انقلاب ہے آف بوتھ ہز کانشیس مائنڈ اینڈ ہز سب کانشیس مائنڈ. کس کے لیے؟ مارلو نے جسمانی طور پر اس کا سفر نہیں کیا, اس نے دماغی طور پر اور اپنے ہوش و حواس میں, اور اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتے ہوئے بھی اس نے اس کو دریافت کیا ہے. دا فریز, اگر ہم نے اس فریز پر آ جائے, اس جملے پر آ جائے, ہارٹ آف ڈارکنس, تو اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ اندھیروں کے مرکز کا کیا مطلب ہے؟ مینس دا انٹیریئر آف کانگو, اس کا مطلب ہے کانگو کے بہت زیادہ اندرونی حالات کے بارے میں اس نے دیکھا, انٹیریئر, اندر کی چیزیں دیکھی ہیں. بٹ آلسو مینس, اس کا مطلب یہ ہے دا ان موسٹ ڈیپتھ آف دا ہیومنز مائنڈ, اس نے کیا دیکھا ہے؟ ان موسٹ باطن دیکھا ہے, انسان کے دماغ کا باطن اس نے دیکھا. اس نے یہی نہیں دیکھ لیا کہ جناب وہ جا کے کانگو کا بر اعظم دیکھ کر آیا ہے, نہیں, اس نے انسان کے دماغ کا باطن بھی دیکھا ہے. Thus the novel is a record, یہ ناول تو ایک ریکارڈ بن جاتا ہے, of a two fold journey, دو قسم کی جرنی کے درمیان, کون کون سی ہیں وہ؟ A journey into Congo and a journey into the dark realm of Marlow's mind. ایک تو اس نے کانگو کے اس علاقے کا سفر کیا, دوسرا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مارلو کے دماغ نے جو سفر کیا ہے اس علاقے کا, اس اندھیرے علاقے کا, وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جسمانی طور پر اور دماغی طور پر اس نے دو سفر کیے ہیں. اب یہاں پر چلتے ہیں into the dark realm of the human's mind in journal. اگر دیکھیں, ایک تو ہمیں مارلو کا جسمانی سفر دکھائی دیتا ہے, دوسرا مارلو کے دماغ کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں اس اندھیرے مرکز تک, اور وہ ایک خاص شخص ہے مارلو. اور اگر ہیومن مائنڈ تک پہنچنا ہے تو یہ عام سی بات ہے, مارلو ان تمام ہیومن مائنڈس کے ان اندھیرے دماغوں تک پہنچا, ان کی اندرونی ساخت تک پہنچا, ان کو دیکھنے کے قابل محسوس کیا اس نے کہ بھائی ان کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے. دو قسم کی اس نے ہمیں جرنی دکھا دی. At the very outset, بہت ہی زیادہ جب شروع ہوتا ہے, جب ناول شروع ہوتا ہے, مارلو is described as sitting in the pose of a Buddha. اب ہمیں دکھا جاتا ہے مارلو جیسے بدھا, وہ ایک اسٹیچو ہے نا, وہ جو آلتی پلتی مار کے بیٹھا ہوا ہے, ویسے وہ بیٹھا ہوا ہے. پریچنگ ان یورپین کلوتھس, اور اس نے بڑے انگلش قسم کے یورپین اسٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اینڈ وداؤٹ اے لوٹس فلاور, لوٹس فلاور نہیں ہے اس کے پاس. اینڈ وین مارلو اسپیکس, جب وہ بولتا ہے, اٹ از ویری مچ لائک اے فلاسفر, وہ لگتا ہے بڑا زیادہ ایک فلسفی قسم کا آدمی ہے. ڈلیورنگ اے ڈسکورس, اور وہ اسی طرح سے گفتگو کرتا ہے. مارلو ناٹ اونلی نریٹس ہز ایکسپیرینسز آف آؤٹ ورلڈ ہیپننگ of his friends, وہ صرف یہی نہیں بتاتا کہ اس کے دوستوں کے ساتھ بیرونی طور پر کس قسم کے تجربات ہوئے, but also his inward reaction, وہ اپنے اندرونی
रद्दे अमल का भी बताता है टू हिज एक्सपीरियंस, जो उस तजर्बे के बाद उसका रद्दे अमल हुआ है उस रद्दे अमल को भी वो हमें बताता है। आगे बताते हैं, ही टेल्स, वो कहता है, मार्लो बताता है इस फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताता है, डेट द कंट्री ऑफ ब्रेजल्स, ब्रेजल्स की जो कंट्री थी, मेड हिम थिंक ऑफ अ व्हाइटेड स्प्लेकर। स्प्लेकर क्या होते हैं? स्प्लेकर को अगर देखें तो इसका मतलब होता है जनाब गोरे की गोर, गोरे के कब्रस्तान, गोरे का मजार, गोरे का मकबरा। अब वो दिखाता है कि ब्रेजल्स में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक गोरों का मकबरा सा बना हुआ था। इसका मतलब क्या है? आउटवर्डली इट सीम्स टू बी प्लेजेंट एंड राइटियस, भाई बैरूनी तौर पर तो लग रहे थे कि ये बड़े खूबसूरत, बड़े हक पर, बड़े खुशगवार हैं, बट इट इज एक्चुअली करप्ट, लेकिन दर हकीकत वो करप्ट थे एंड डिस्गस्टिंग और काबिल नफरत थे। ऐसा ही हो रहा था ना, बैरूनी तौर पर तो वो आए हुए थे वहां पर काम करने के लिए कि भाई हमें कंपनी ने भेजा यहाँ आके काम करना, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो काम नहीं कर रहे थे। अंदरूनी तौर पर उनका मकसद क्या था? वहां से हाथी के दांत निकालना, लोगों को अपना गुलाम बनाना और उनको किसी किस्म की सहूलत ना देना। बैरूनी तौर पर लग रहा था कि भाई वो उस मुल्क को संवारने गए हैं, वहां की जहालत को खत्म करने गए हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। यही उसने बताया है व्हाइटेड स्प्लेकर। व्हाइटेड स्प्लेकर आप अंडरलाइन इसलिए किया गया कि ये याद रखना है आपने। When he speaks about his encounter with the two knitting women, दो औरतें होती हैं, वो कुछ बुन रही होती हैं, जब ये उनसे टकराता है तो बताता है, he describes his mental reaction to them, तो उनके बारे में वो कहता है, hail old knitter of black wool, हाय हाय क्या बताऊँ आपको, वो जो औरतें थी काली बुन के साथ कुछ बुन रही थी, those who are about to die salute you, और वो जो मरने वाले थे, जो मरने के करीब थे, वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें सल्यूट कर रहे थे, वो उन्हें सलाम पेश कर रहे थे। यानी वो औरतें जहन्नम का वो कोई कपड़ा ही बुन रही थी इनके लिए कि मौत हर तरफ बुनी जा रही थी, ब्लैक मौत की अलामत होता है, तो वो औरतें मौत बुन रही थी, वो खुद भी मरने के करीब थी और जो मर रहे थे उनके लिए भी उनके यही था कि ये मौत का कफन वो बुन रही है। सिमिलरली इसी तरह से ही डिस्क्राइब्स हिज रिएक्शन टू द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ अपना वो रद्देमल क्या बताता है, हु एग्जामिन्स हिम, जिसने उसे एग्जामिन्स किया, जब ये मार्लो की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने आके इसका मुआयना किया, एंड हु मेजर्स हिज स्कल, और उसने इसकी खोपड़ी को नापा, टू वॉच द मेंटल चेंज, उसने मेंटल चेंज देखना चाहता था कि इसके जहन में कितनी तब्दीली आ गई, ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर स्टे इन द डार्क कॉन्टिनेंट, जब ये वापस गया तो डॉक्टर ने इसके स्कल का मुआयना किया, फिर उसने देखा कि ये कितना तब्दील हो गया। ऐसे तो इन्होंने बताया ना अपनी तरफ से, अच्छा करके बताया कि भाई हमारे कोर्स वहाँ गए हुए थे तो वहाँ रहने के साथ साथ उनका दिमाग उनके जैसा हो गया और वो उनकी तरह ही बन गए थे, यानी हम बड़े अच्छे थे। फिर इसके जवाब में ही तो फिर वो हमारे दूसरे राइटर ने जो लिखा है मेरे जहन से निकल गया उनका नाम, वो भी हमने किया हुआ है, उन्होंने फिर इसके जवाब में लिखा था ये सारा थिंग्स फॉल अपार्ट फिर उन्होंने इसके आंसर में दिया कि भाई हम लोगों ने तुम्हें बिगाड़ा नहीं, तुम लोगों ने हमसे आके कितनी चीजें छीन ली हैं। हमारी वीडियो चली गई कहीं?